ये आपने पूजा की थी क्या? किस लिए? बाय बाय। भाई यार पहाड़ी लोग बहुत मस्त होते हैं, सुना था, आज देख भी लिया। भाई सोचा नहीं था अपने को चंद्रतार लेक के अंदर मछली देखने को मिलेगी। भाई क्या ही खूबसूरत है यार, बड़ी भी बहुत है यार। ऐसा ये लेक बहुत गहरी है, अंदर से पानी बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ऑर्गेनिक खाओ, अच्छा होता है, खाओ ऑर्गेनिक खाओ अपने खेत का है। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस अभी अपन आए हैं लोसर से चंद्रताल लेक के लिए। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर के देख लेना एक बार, तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा अपन किस रूट से कितना स्ट्रगल करके आए हैं। बाकी तो मैं टाइम दिखा देता हूँ, टाइम हो रहा है 1:22 और अपन ने लगा दिया बाइक इधर पार्किंग में। हाँ कुछ कुल मिला के पार्किंग ही समझो इसे, और इधर से जाना पड़ेगा अपन को पैदल ट्रैकिंग करके चंद्रताल लेक के पास। देखो लोसर से अपन जो चले थे ना, अपने साथ ये भाई हैं। आपका नाम? मेरा नाम सागर, आई एम फ्रॉम बैंगलोर। अकेले होते मैं भी शायद अपनी बाइक नहीं उठ पाती। बहुत लगेज है यार, बहुत ज़्यादा। बाकी तो गाइस उम्मीद करते हैं आप लोगों को पिछला वीडियो अच्छा लगा। मेरा चैनल का नाम बाउंडलेस बाइकर है, यूट्यूब पे आप फॉलो कर सकते हैं और हमारा वीडियोस भी देख सकते हैं। हम गया बैंगलोर से लेके थाईलैंड तक, हमारा ड्यूक ट्रेन एंट्री। सो इनके यूट्यूब चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बाकी आप एक बार विजिट जरूर करना और वीडियोस देखना, अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। और उसका इंस्टाग्राम चैनल है ट्रैवलर फॉक्स 94, उनको भी एक बार फॉलो करो, फॉलो जरूर कर लेना गाइस। बाकी तो भाई हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है हवा की वजह से। सो निकलते हैं यहाँ से चंद्रताल लेक के पास। लगभग अपन 100-200 मीटर आगे होंगे और अभी भी चले जा रहे हैं भाई, हाई अल्टीट्यूड की वजह से सांस भी चढ़ रहा है। बाकी हल्के हल्के बारिश भी आ रही है। ऐसे यार वेदर दिखाता हूँ मैं आपको कैसा हो रहा वेदर। वेदर को देखते हुए मन नहीं कर रहा अपन आज रात यहाँ पे स्टे करें, बाकी तो देखते हैं जो भी होता है। अभी तो अपन लेक साइड भी नहीं पहुँचे भाई, उधर से नीचे को ढलान है, अब जा करके थोड़ा सांस में सांस आइए, वरना चढ़ान पे तो भाई बहुत ज़्यादा ही सांस चढ़ रही थी। भाई लेक साइड थोड़ा सा व्यू पॉइंट नज़र आया, दिख रहा होगा आपको भी भाई, उधर कोई भी नहीं है, कोई भी बंदा नहीं है, हम सिर्फ अकेले हैं 3 बंदे। बाकी तो भाई वहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा, जो पानी आ रहा ना सारा उस लेक से आ रहा है, चंद्रताल लेक से, और चंद्रताल लेक में जो पानी आ रहा है वो मे भी शायद ग्लेशियर पिघल के आ रहा होगा। एकदम पानी एकदम भाई, बंदा ना 1 रुपया भी गिरेगा तो वो भी नज़र आ जाएगा। नहीं 1 रुपया तो मैंने ज़्यादा बड़ा बोल दिया, क्या बोलते हैं उसको, 1 सुई भी गिरेगा ना तब भी नज़र आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, इसी दिख रहा होगा आपको, छोटे छोटे से दाने भी साफ साफ दिख रहे हैं भाई। ओ भाई पानी इतना साफ है बंदा नहा सकता है। ओ माय गॉड कितना सुंदर पानी है रे, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ओ भाई मछली भी है भाई, देखो मछली दिखी, दिखाता हूँ मैं भाई, देख सकते हो कितने नज़दीक है मछली यार, और ये मछली चंद्रताल लेक के साथ है भाई।
भाई आई कहाँ से होगी यार ये मछली इतनी? मे भी शायद कोई और हो, क्योंकि यहाँ पे खाने के लिए सरवाइव करने के लिए कुछ मे भी शायद दिख नहीं रहा। बाकी तो अपन भी इसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं, खाने के लिए भी तो नहीं आ रही कुछ। अपन इसको मुनक्खे घेर रहे हैं, अपन इसको ये घेर रहे हैं। या नहीं रही, आ जा खा ले खा ले। नगेरे में भुक्की ना हूँ। सो भाई पानी कितना क्लियर है यार, नज़दीक से इधर से तो दिख रहा है बिल्कुल हरा, और दूर से बिल्कुल एकदम नीला। अपन यहाँ पे लेते हैं एक टाइम लैप्स क्यूट सा, फिर यहाँ से निकलते हैं। परियों को खुश किया। ओके थोड़ा जी दिया, आप दे दो, यहाँ से दे दो, पीटू यहीं से दे दो। ऑर्गेनिक है, खाओ अच्छा होता है, खाओ ऑर्गेनिक खाओ, अपने खेत का है। नीम का खेत रखो। ये आपने पूजा की थी क्या? हाँ जी। किस लिए? यहाँ परियों को, परियों को यहाँ पे कोई परियों की कहानी है, वो किस तरह की बताओगे क्या? परियों की कहानी सुना है मैंने चंद्रताल के करीब के, मैंने शायद। सो भाई बहुत सारा टाइम अपने, कम से कम हमारी बात, हाँ देखो सबसे पहले अपन आए थे, उसके बाद हमारे बाद बहुत सारे ग्रुप आए, और इस टाइम अपन हम तीन हैं और ये लोकल के हैं, बाकी सब चले गए हैं। अपन भी निकलते हैं गाइस यहाँ से, बहुत टाइम हो गया अपने को, मनाली भी पहुँचना है आज। सो भाई इस पॉकेट में दिख रहा होगा आपको बहुत सारे बादाम, एप्रिकॉट, अखरोट, इन्होंने हमें दिया है। बाकी मैं इनसे पूछ के उनको वीडियो में लूँगा कि यहाँ से निकलेंगे अपन। आप लोगों का वीडियो बना सकता हूँ क्या मैं? मैं आप लोगों का नाम पूछूंगा, नाम बताते रहना बस। चलो ठीक है, आपका नाम भैया? मैडम दीवानी की फ्रॉम किन्नौर। दीदी आपका नाम? हेलो दीदी आपका नाम? दीदी आपका? विनय देवी फ्रॉम किन्नौर। आपका? आपका वसंती देवी। आपका? संतोष कुमारी। आपका? पति। आपका? फ्रॉम किन्नौर। ओके आपका? आपका नाम क्या है? ओके आपका नाम क्या है? आपका नाम? पलमा। आपका नाम क्या है दीदी? सुनीता। आपका नाम क्या है? ओके सो गाइस बाय, हमने बहुत सारे यहाँ पे बाय बाय। भाई यार पहाड़ी लोग बहुत मस्त होते हैं, सुना था आज देख भी लिया, बहुत मस्त है यार। बाकी तो अपन निकल पड़े हैं यहाँ से भी अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में भी शायद मनाली। हेलो ब्रो कैसे हो? वापस से जा रहे हैं अपनी बाइक के पास। बाकी आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सीन देखे होंगे, मे भी शायद ही आप लोगों ने ऐसे सीन किसी और वीडियो में देखे हो, लोगों का लोकल कल्चर, पूजा पाठ, और सबसे बड़ी बात रियर इस चंद्रताल लेक में मछली, बेबी शायद मैंने कभी नहीं देखी यार। मैंने वीडियोस फोटोज बहुत देखे आज तक, उन फोटो वीडियो में किसी में भी मछली नहीं देखी।
और जबकि हम तीनों थे उन तीनों में सिर्फ हम मैं ही देख पाया यार। सो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। सांस चढ़ रहे हैं, दरअसल अपन उधर नीचे से आ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, और इस वजह से सांस चढ़ रहा है। सो भाई बाकी तो वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। एंड करते वक्त लास्ट बार आप लोगों को बोलना चाहूँगा, इस वीडियो पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना। भाई हाथ भी दुखने लग गया। अब आए हैं अपने फ्लैट सरफेस पे। बाकी तो गाइस करते हैं इस वीडियो को भी यही एंड। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।